हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? हम तो एकदम बढ़िया है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आज अपने घर जाने वाली हूँ, माय माइक इतने टाइम के बाद यार, और सारे रिश्तेदार आ रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और जाने का रीज़न क्या है कि आज मेरे मामू का बर्थडे। अब मामू मतलब मेरे मम्मी के भाई नहीं हुए, वो मेरी बुआ के हस्बैंड है, तो उनको हम मामू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेरी मम्मी को दीदी श्री कहते हैं, तो इसलिए हम बचपन से उनको मामू कहते हैं। बट तुम्हारी साइड वैसे भी बुआ के हस्बैंड को मामू बोलते हैं? नहीं, ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ये बट मैक्सिमम लोग बोलते हैं। हमारे घर में होता है क्योंकि जो जैसे हमारी मम्मी हुई, भाभियां हुई मेरी बुआ की, वो सारे उनके हस्बैंड्स को भैया बोल देते, तो वो मामू हो गए, सो ऐसा चलता है। बट पर्सनली भी मैं मामू से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ। उन मामू के साथ पता क्या है कि जैसे हम ना बचपन से जब पले बड़े हैं तो पड़ोस में उनका घर होता था, इतना आना जाना रहता था, और जो उनका बेटा रॉनी है उनके साथ भी मैं मतलब बहुत खेली हूँ बचपन से। बुआ के घर जाके वीडियो गेम्स वगैरह खेलते थे, यू नो, तो होता ही है जहाँ आपका बचपन गुजरा हो वहाँ से एक खास लगाव तो रहता ही है। तो आज उन मामू का बर्थडे है, आज मतलब आज मिडनाइट को होगा, तो आज हम उनके घर जा रहे, बच्चे ही जा रहे, खूब धमाल करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं। और दूसरी खास बात अब ये है कि अब वो रिटायर भी होने वाले, एक दो दिन में उनकी रिटायरमेंट भी है, तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पूरी फैमिली आएगी, एक तरह से गेट टुगेदर हो जाएगा, इसलिए मेरे चेहरे पे आपको इतनी बड़ी मुस्कान दिख रही है। और तो और मिस्टर रजत शर्मा ये भी इतना खुश रहता है ना मेरी फैमिली के साथ, क्योंकि हम सारे कजन सेम एज ग्रुप के, तो बहुत मज़ा आता है सबके साथ। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, अभी हम अपने छोटे से काम के लिए आए हैं, उसके बाद जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे ना तो जो आज की पार्टी है उसके लिए जो स्नैक्स वगैरह स्टार्टर्स वगैरह का ऑर्डर है वो हमें कहा है कि तुम लोग लेके आ जाना, क्योंकि वो हमारे घर के रास्ते पे पड़ता है, तो हम वो लेके जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, अपने काम से आ गए। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ गमलों में भी पौधे लगाने हैं। तो अभी फटाफट से चेंज करके हमको फिर से भागना है रजत से, जल्दी करो। हाँ, क्योंकि नैना को है कि हमने घर जाना है, दादी से मिलना है, सबसे मिलना है, सबसे मिलना है। इतनी बढ़िया, मुझे कभी ऐसी फुर्सत मिलती नहीं कि मैं सबसे मिलकर। हाँ, क्योंकि जब से हम कनाडा से आए ना सबसे ऐसे किस्तों में मिल रहे हैं, बट हम इसके घर नहीं गए हैं जिसका मम्मी पापा का घर है, वहां नहीं जा पाए हैं, तो हमने सोचा है आज जाते हैं। मम्मी पापा ने हमें बोला कि जाओ तुम टाइम से निकलो, लेट ही होते हो हर जगह को, तो बट हम काम से थे तो वहां से थोड़ा लेट हो गए, अब निकलते हैं वहां, आज हम वहीं रुकेंगे। और फिर आपसे तो पक्का नहीं है, नहीं आज हम वहीं रुकेंगे, ये ऐसे ही है क्योंकि अभी इतना लेट जा रहे हैं, फिर रात जाएगी गप्पे मारते मारते, आज बढ़िया। और पापा भी वहीं है, वो भी वेट कर रहे हैं। इतने सारे सबसे इमेज ग्रुप के जब बातें शुरू होती है ना हमारी बातें ही खत्म। हां एग्जैक्टली, और होली पे सब इकट्ठे हुए थे और हमको चिढ़ा रहे थे वीडियो कॉल कर करके। अच्छा बच्चू, मेरे बगैर कुछ है ना, सबको पेट दर्द लग रहा है, चलते हैं। अभी मुझे कॉल्स भी आने लग गई है और अब निकलते हैं और वहाँ पापा भी वेट कर रहे हैं हमारा। सो अब जाके हमारा मुहूर्त आया कि हम निकले, मुझे तो ऐसा हो रहा था कि जल्दी चलो सब आए हो गए, मुझसे कब रुके जा रहा है। जब हम मतलब मैं पहले वहाँ रहती थी ना, अब ज्वाइंट फैमिली है एक तरह से, सब पास पास ही रहते हैं, चाचा वगैरह तो सब पास में है ही है, मेरी मासियां वही है, बुआ वही है, तो मुझे ना बहुत ऐसी आदत है बड़े बड़े परिवार की, सब साथ है और हर हफ्ते हमारे डिनर्स चले रहते थे, तो मैं वो सब बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो आज काफी दिनों के बाद वो दिन वापस आया था, इसलिए मैं तो बहुत चलो ऐसा नॉट डिनर की जगह हम ब्रेकफास्ट को पहुंचे। क्या कसरत होगी, मोबाइल भूल गई थी, इतना दूर से वापस आना पड़ा मैं। ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी, अब मुझे जल्दी होनी चाहिए, मुझे तो जल्दी आई नहीं आराम से। हाँ, हाँ। फिर मुझे बोलो भी लेट कराया, और ऊपर से पता क्या हुआ, अभी आ रही थी यहाँ पे एकदम ऐसा स्लोप है, मेरे हाथ से चार्जर गिर गया और लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच गया, फिर और दौड़ना पड़ा। हे भगवान, जब जल्दी करते हैं तब ऐसा होता ही होता है। मुझे करना था ऑर्डर पिक, मैं ऑर्डर पिक करने आया हूँ और लेट भी हो गया थोड़ा, इधर ही दे दो, फंसा दो। थैंक यू सो मच भैया, पार्टी की तैयारियां। तोड़ना नहीं भाई, वो आपका घर तोड़ने वाले है आज लोग, तो इनको। हाँ ओए जी, क्या हो रहा है जी? अंजू नहीं बोला मैंने, तू क्या कर रही है जी? क्या हो रहा है, आपका घर का सामान उठा लिया चोर, तुम थी कहाँ पहले? अरे सबको मिलने गई थी, पांच साल से ये अभी बता रहे हैं कि रुको बता दे दो, अरे मैं बात भूल गई, 9 बजे मैंने 9 बजे रॉनी तू बता, जब हम चंडीगढ़ में थे तो फिर उसके बाद हमने इनको भी मिलने के लिए बोला था, एक बार की बात कर रही हूँ मैं, 9 बजे थे और इन्होंने क्या बोला, सो जाते जी बोला था। ओए आप शोर करो, आप बेइज्जती हो रही है भाई, आप सुनना नहीं चाहिए। मैंने बोला था, उधर देखो भाई, नहीं देख ले यार, कैसे मत पूछो, सुनो
अंजू नाराज हो रही है आप चंडीगढ़ आए थे मिले नहीं बिकॉज हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं था और हमें सोचा था अगर टाइम होगा हम जरूर मिलेंगे। हम 12 बजे सोते हैं नैन्सी दीदी, हम प्रूफ है नैना, तुमने एक बार बोल दिया ना, एक बार गलती से तुम्हारी एक बार की गलती तुम पे बड़ी। गाइस तुम कैसे लग रहे हो, जैसे वो फूड बैंक की बात है मेरा और मेरा मिलेगा मिलेगा, हमें लगा था कि कुछ शुरुआत होगी, भाई जी भी चले गए, मेरी प्यारी बुआ अच्छे से देख रही है, हमें बार बार दावत में बुलाती रहती है, दावत का कारण है मामा श्री का बर्थडे जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय His beloved son. And wife also. Yeah. स्कूल के बाद ये 4 बजे पहुँचे पहुँचे उसके बाद सब खाना तब से लगे हैं। लेकिन आज इनके लिए अपने काम कम रखते हैं। चंदू मामा ने मेरी हेल्प की है, पुलिस को क्या चंदू मामा कहती है, इसको चंदू मामा बुलाना क्या बर्थडे पे नाचना है, डेजी को बुलाया मैंने, अगर जल्दी आओ या तो बहुत मजे आ रहे हैं। वो देखते रह छुपा छुपा के रखा है पनीर, सिस्टर सिस्टर लव ये सब आई डोंट नो क्या बन पाएगा इसका। रोनी ने रेडी रखा ऑलरेडी, ये अभी हमने काटे हैं और ये भी रेडी है और आग जल गई। चलो हाईली प्रिसाइज्ड चॉपिंग हो रही है यहाँ पे। ओहो मामू सैलेड स्पेशलिस्ट है क्या, बात कर रहे पीनट मसाला ओ बट इतनी बढ़िया। ओह रजत बुई से मैं हाथ से करूंगी, रजत बुई से पता नहीं क्या क्या करवा रहा है यहाँ पे, कड़ची में तेल लगाने को बोल दिया है। सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं ना मेरी जैसी, और जैसे जैसा रजत बोल रहे बुई वैसा वैसे करे जा रहे। बुई आपको पता भी है सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और बुआ खा लेंगे कोई इसी नहीं। कैसे होगा, सब हाथ चाटते रह जाओगे, बेसन बचाओ ये भी चटवाएंगे तुमसे कच्चा ही। वैसे ये क्या बैटरी इतना टेस्टी है ना, हाँ, है बहुत सही है। ये बनाया किसने, ये वैसे तो बुआ ने पहले से बना के रखा है। अच्छा बहुत बढ़िया, एड ऑन कर रहे हो तुम। मैंने इसमें जो मेरा मन में आया मैंने डाल दिया है। अब इसमें लास्ट में ये तेल डालने वाले, पता नहीं क्या बना रहे हैं, मैं तो पहली बार ही सुना है। रजत की रेसिपी है ये, एक बार ये भी डाल के देखते हैं, ठीक है ये बारबेक्यू की तैयारी हो रही है, चस करनी है बस, चस। नहीं तो हम सबको इतने लोग हैं सबको बोला चस करो इससे, तेल से तो हुई नहीं। चलो भाई चस की आवाज सुननी है मुझे भी, चस की आवाज हुआ नहीं है गर्म बस हो ही गया, चस सुननी हमें। टेक टू, ये लगा असली तड़का, देखो बेसन पक गया, ये टेक टू था इनका। देखो इसकी देखने ऊपर लेयर आ गई एक। हो ये रजत ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है ना, हर कुछ ना करना। अभी खा के अगर हम सब ठीक रहे तो मतलब ठीक है, तभी रेसिपी शेयर कर पाएंगे हम। जल्दी चलो सब बाहर बैठे, अब मुझे भी मन हो रहा है बाहर जाने को। लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है पूरे, देखो बीसीएस दिख रहा है। हाँ आगे मेरा तो पूरा मन है। मामू ने कुछ ऐसा बना दिया है मतलब देख के मुंह में पानी आ रहा है, और खुशबू क्या मस्त है, और यहाँ हमारा ये यही तैयार नहीं हो रहा है, बीरबल की खिचड़ी जो हम काफी देर से इसी को ठीक करने की कोशिश किए जा रहे हैं, कुछ बन ही जाएगा अब है ना। हाँ हाँ अब तो एकदम बढ़िया है, फाइनली जा चुका है स्क्यूअर पे। क्या हुआ, फॉर्म में आ गई, अब मैं घर ही लग रही थी, अब नाचूंगी पूरी रात मजे करेंगे। चलो ओम शांति ओम, बना कुछ जले आधे जल गए। आगे आई नहीं रहा, मोहब्बतें लुटाऊं
आग लग गया। ओए पहाड़ी तुम ये आए बार बार चलो नैना चलो अंदर, बाहर की चप्पलें अंदर नहीं आएगी नाटी। चलो अबे चलो बुआ, ये आज जेल में जाके रहेंगे। रात के 12 बज चुके हैं। ओ भाई मैं भी जाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। खाना कितने बजे हो रहा है डिनर नैना? बाय, गुड नाइट, बाय। ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? ये सोच के कि माँ बाप ही होते हैं। एक्चुअली ना हमेशा से ना पापा हमारी बेडिंग करते थे और आज भी पापा ने हमारे लिए बेडिंग करके रखी थी। मुझे देख के ऐसा लगा कि बेचारे पापा, एक तो खुद भी इतना लेट पहुँचे और उसके बाद हमने इतना लेट आना था, बट फिर भी हमारे लिए बेडिंग करके रखी। और अभी ऐसे खराटे मार के सो रहे हैं। ऐसे जैसे छोटे होते ना सोते ही हमारे बाजू में खराटे चले। गुड मॉर्निंग यार, कल रात ना हमने इतनी मस्ती करी नॉन स्टॉप, बस डांस करते रहे और टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब इतना टाइम हो गया था। और अभी जब सो के उठी उन्होंने मेरी टांगों में दर्द हो रही थी, क्रैम्प्स आ चुके यार, इतना डांस किया हमने। और फिलहाल अभी मैं और रजत रेडी हो गए क्योंकि हमको भी वापस जाना है घर को और वहां पे हमको कुछ जरूरी काम भी है। और अभी ना आप काफी टाइम से सुन रहे होंगे हम जरूरी काम बोल रहे हैं, क्या जरूरी काम है वो आने वाले टाइम में आपको हम सब बताएंगे। बट अभी फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं और पापा भी जा चुके हैं तो यहाँ को मैं लॉक करके जा रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम को मुझे वापस तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज यार यहाँ पे घर इतना बिखरा हुआ है ना। बेशक पापा हमेशा ये कहते हैं कि अरे मैंने तो साफ रखा, मैंने वैसा किया, बट वो सफाई ऑब्वियसली पापा से कहाँ हो पाएगी। तो इसलिए आज शाम को आके मैं वो सारा साफ भी करूंगी और अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। यार इस घर का ना कुछ अपना ही फील है, क्या बताऊँ मैं। मतलब ऑफकोर्स अब हो गई, मेरा मतलब जब से मैं स्कूल में थी, छोटी सी बच्ची थी, स्कूल में भी छोड़ो, जब मेरा जन्म भी इसी घर में हुआ है और करते करते फिर बिल्डिंग पूरी ऊपर तक बनी है। एक एक जगह से इस मोहल्ले के एक एक मैं क्या बोलूँ कॉर्नर से मुझे इतना प्यार है ना। अभी जा भी रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आजकल मम्मी नहीं है ना तो मम्मी के बिना घर तो सूना ही है, तो बस अभी ऐसे हो ही नहीं पाता है ना। बट जैसे मम्मी वापस आ जाएंगे तो हम यहाँ भी जरूर आया करेंगे और मजे करेंगे। अच्छा ठीक है, बोल रहे कि भाई सिंदूर और बिंदी लगा के इसको समझा ले भाई। ठीक है दादी, बिंदी लगाती ना मांग भरती। दादी मैं तो 6 फुट का बंदा साथ लेके हूँ। चलो चलो दादी, दादी और दादी आपसे हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। इन दोनों को कहना है कि आज पूरा श्रृंगार करके आना है। नहीं, अपने मम्मी पापा को भी लेके आना भाई। कोई नहीं दादी, हाँ जी मिलेंगे, झूले हाँ जी आराम से, ठीक। सो अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मेरी शक्ल और हालत देख के आपको पता लग रहा होगा कि हम नहा धो के भी एकदम फ्रेश हो चुके हैं। अब लगे बहुत जोरों की भूख, तो आओ देखते क्या बना है खाने में। खुशबू तो बड़ी बढ़िया है, मम्मी ने भरता बना रखा है। मैं पहले ही देख चुका हूँ। वाह वाह वाह, मम्मा मटर नहीं डाले? मटर नहीं था, वो तो इनकी बहुत डालती है। मैंने कल खत्म कर दिए थे जो वो बनाया था। कलियां कलियां बची है क्या? अच्छा, बस हम काम से जाकर आते हैं। तो अभी परांठे भी तुम्हारे सुबह के पहले। अभी हमको थोड़ा सा काम है जिसके लिए हम स्पेशली आए हैं, तो वो काम निपटाने जाएंगे और फिर उसके बाद तसल्ली से बैठेंगे। पर अभी थोड़ा टाइम तो है ही हमारे पास, है ना। बाहर चलते हैं, थोड़ी धूप सेकते हैं, शिमला की धूप। हाँ। सर्दियों की धूप अब जाने वाली है और धूप इतनी शौकीन हूँ मैं। मम्मी मुझे अपना जूड़ा दिखा रहे थे कैसे बनाया। दिखा, अंदर से कुछ खाली है। तो मम्मी के बालों की वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा, इतना अच्छा सुन रहा है। अब मैं मम्मी से हेयर स्टाइल बनाना सीखूंगी। खाओगे आप मुझे? हाँ बिल्कुल।
मैं ना मम्मी की जवानी की फोटोज भी देखती हूँ ना, तो ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल्स होते थे ना मम्मी के, की क्या बताऊँ मैं आपको, खतरनाक बाल तो बहुत सुंदर थे आपके, ऐसे स्टाइल बन जाते हैं अपने अब तो आप मुझे आपने एक फोटो में ध्यान आती है हरे सूट में और आपने बाल यूं किए हुए सारे वैसे हो जाते थे, जैसे भी करने हो ना वैसे बन जाता था। ये तो मैंने वीडियो में देखा था एक दिन जैसे ना इंस्टाग्राम पे, हाँ ऐसे देखती रहती हूँ मम्मी को तो क्या करेंगे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते रहते हैं और मुझे सेंड करते रहेंगे। काम से हम वापस घर आ चुके हैं और अब नहाऊंगा धोऊंगा, भूख भी लग रही है। सुबह एक्चुअली जल्दी के चक्कर में नहाया नहीं, मैंने सोचा जैसे काम से वापस आएंगे फिर नहाएंगे, बट लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो अब नहाते धोते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। सुबह बताया था कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम ऐसे ही चले गए थे क्योंकि जल्दी में थे और आज थोड़ा सा काम था हमको, बट वो काम पूरा दिन लग गया हमारा वैसे ही, तो खाया पिया बस ऐसे थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए थे वहीं और प्रॉपर खाना नहीं हो पाया। और कल रात भी हम लोग बहुत मस्ती करी हमने, तो रात को हम 3 बज गए थे हमको सोते सोते, और उसके बाद सुबह भी जल्दी उठना था, तो यही सब ऐसा मतलब एक दो दिन से ऐसे ही चल रहा है। तो आज मुझे ना बहुत ही थकान सी महसूस हो रही थी, तो मुझे लगा आज रेस्ट करते हैं। और वैसे आज भी इनवाइटेड थे सभी लोग डिनर के लिए, बट मैंने सोचा कि आज रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए नैना गई है। वैसे तो मामू का बर्थडे तो हमने वैसे तो कल सबने सेलिब्रेट कर ही लिया था, लेकिन आज वैसे ही उन्होंने सबको डिनर पे बुलाया था, तो नैना का जाना तो जरूरी था। नैना भी चली गई है और मैंने सोचा है कि अगर थोड़ी देर मैं रेस्ट करके बेटर फील करूंगा तो मैं भी चला जाऊंगा, बट अभी के लिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा और एडिट भी करने को है वो भी है। और अभी मेरे को एक पार्सल मिला तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कितना बढ़िया, मतलब मैंने खोल के नहीं देखा है बट मुझे बाहर से पता लग गया। ये देखो हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया है। अगर आप लोग हमको पहले से फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि उन्होंने पहले भी हमें कुछ गिफ्ट भेजा था हमारी शादी के एकदम बाद, तो उन्हीं का है ये अपना रेजिन होम 22। मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, वैसे ये देख सकते हो आप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नैना ने अभी देखा नहीं है, वो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ये क्या है? ये गोभी है, पर्पल गोभी। वाह, अच्छा नान का वाली है, बढ़िया। और वो भरता ये मैं अभी डिनर में खाऊंगा। तो इसी के साथ व्लॉग खत्म करते हैं, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या इम्पोर्टेंट काम था जो पूरा दिन लग गया, और हम काफी दिन से ये सब बोल रहे हैं काम है काम है, सही टाइम आने पर आपको बताएंगे। अभी ऐसे कुछ चीजें चल रही है, वो जैसे फाइनलाइज होंगी तब आपको बताएंगे। और ऐसे हमें हमेशा गुड विशेस देते रहो। बाय बाय, टेक केयर, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।